तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे। बताएंगे छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज के वीडियो पर। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करके, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम आप लोग तक चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट किसानों को लेकर। बारिश नहीं होने से प्रदेश में एक बार फिर सूखे का संकट मंडरा रहा है। 12 जिले सूखे की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो यहां 20% से कम बारिश हुई है। इन 12 जिलों में 35 तहसीलें शामिल हैं। वहीं अब सरकार के निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारी सूखे का आंकलन कर रिपोर्ट जुटाना शुरू कर दिए हैं। कम बारिश के चलते धान की बुआई और रोपाई नहीं हो पाई है। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मौसम विभाग के अनुसार बालोद जिला में सबसे कम बारिश हुई है। इसके अलावा बीजापुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, जसपुर, कांकेर, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर में भी कम वर्षा हुई है। इन जिलों में 20 से 35% तक कम वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रानी निषाद द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली राखी व छत्तीसगढ़ी संस्कृति का समावेश देखकर काफी प्रभावित हुई। रानी को साल और पुष्प से सम्मानित तो किया ही, साथ ही उनकी छत्तीसगढ़ संस्कृति के प्रति आस्था को देखते हुए हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। ज्ञात हो रानी निषाद द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा व पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के दृष्टिकोण से विगत दिनों रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर गोबर सहित धान, कोदो कुटकी व विभिन्न प्रकार के सब्जी भाजी के बीजों से निर्मित राखियां बनाई थी। चलिए तो बिलासपुर की खबर। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 1 सितंबर से ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने सभी ग्राम पंचायत इसके लिए आवेदन पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश TL की बैठक में दी है। कलेक्टर ने सभी पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर आवेदन लेने और आवेदनों की जांच के लिए पटवारी तथा ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को रोस्टर बनाकर ग्राम पंचायतों में उपस्थित रहने को कहा है। दूसरी ओर बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड के किसान संतोष कौशिक व उनकी पत्नी और बेटों के नाम पर करीब 12 एकड़ खेत है, जिसमें वे 2 फसल लेते हैं। खरीफ सीजन 2020-21 में संतोष ने करीब 1200 बोरा धान समर्थन मूल्य में अपने गांव की ही सेवा सहकारी समिति में बेचा था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उसे 2 किस्त में लगभग 80,000 रुपये कृषि आदान सहायता राशि प्राप्त हुई है। लगभग इतनी ही राशि उसे आगामी 2 किस्त में और मिलना है। वहीं संतोष ने बताया कि खरीफ सीजन 2019-20 में योजना के तहत 4 किस्त में लगभग 1,25,000 रुपये कृषि आदान सहायता राशि प्राप्त हुई थी। बता दें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2020-21 के लिए जिले के 1,01,986 किसानों को कृषि आदान सहायता राशि दूसरी किस्त 73,49,00,000 से अधिक की राशि प्रदान की गई है। रायपुर से आ रही खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वन महोत्सव 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर मंगलवार को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी परिसर चंद्रखुरी में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने देशभर में अकेले 74% लघु वनोपज की खरीदी की है। भारत सरकार ने 11 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, जो वन विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि नाचा को सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर CM भूपेश बघेल ने ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में रचा बसा प्रदेश है, जिसकी खूबियों को देश दुनिया तक पहुँचाना हर छत्तीसगढ़ी का गौरव है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वही दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के पास आवास या जमीन का पट्टा है तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के दायरे से उनको बाहर कर दिया जाएगा। पट्टाधारी किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ किनको मिलेगा, कौन कौन हितग्राही होंगे, इस संबंध में राज्य शासन ने विस्तृत जानकारी देकर प्रदेश भर के कलेक्टरों को भी जानकारी भेजी है। 1 सितंबर से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किसानों व हितग्राही को आवेदन लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मौसम की ताज़ा हालचाल भी आप लोगों को बताकर चलते हैं। सोमवार को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से ही धूप छांव लगा रहा। हालांकि राजधानी रायपुर सहित कई क्षेत्रों में दोपहर को हल्की बूंदाबांदी हुई। सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानी SP चंद्र ने बताया कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार बने थे।
छत्तीसगढ़ में अभी व्यापक बारिश के आसार नहीं है। इस संबंध में मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है कि जिससे प्रदेश भर में व्यापक बारिश हो सके। जी हाँ, किसानों को नहीं होगी परेशानी, भाटापारा की खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सचिव सुशील शर्मा अपने ग्रामीण दौरे के तहत ग्राम मोपका में जनसंपर्क कर कांग्रेस कार्यकर्ता स्वर्गीय बिसाऊ राम साहू के निवास जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, इनके रहते इस सूखा काल में किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी किसानों को गिरदावरी सर्वे के अनुसार प्रति एकड़ 9,000 रुपये की राशि दी जाएगी। चलिए, इस तरह से ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट अब तक के। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसे क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।